Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. उनसे ज्यादा विस्तार में रोहित जी, ये आप जो अनशन धरना प्रदर्शन करने वाले पुलिस कनकिया पुलिस चौकी, क्या पूरा होता है आप उसके बारे में बताएगा? सर, जैसे कि मैं आज मीरा भाईंदर में बचपन से यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे मीरा भाईंदर में रहते हुए 27 से 28 साल हो चुके हैं, जितनी मेरी उम्र है। मैं मीरा भाईंदर में आने वाले 8 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ, मीरा भाईंदर में शूटिंग ला रहा हूँ, रोजगार मैंने काफी लोगों को रोजगार दिया है। आज मेरे साथ 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं। आज हर घर घर में हम लोग शूटिंग करते हैं, जहीं भी हम शूटिंग करते हैं, चाहे वहां पे गवर्नमेंट का जो फीस है वो हम पे करते हैं, आरटीओ वगैरह का सब पुलिस परमिशन लेके हम काम करते हैं। उस दिन क्या हुआ सर कि मैं कनकिया में जो ये इनका जो क्लब है वहां उसके बाहर में शूटिंग कर रहा था, उसकी सारी परमिशन हमारे पास है, पीएमसी परमिशन, पुलिस परमिशन, हर चीजें हमारे पास है। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, अचानक से उनके बॉडीगार्डों की गाड़ी आती है और स्पीड में आते उतर रहे हैं, बोले कौन है शूटिंग वाला, चलो उठाओ उठाओ, कौन है लोकेशन मैनेजर। मैं उनके पास गया, बोला सर मेरे पास सारी परमिशन है, आप क्या हो गया आप मुझे बताइए। बोले चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। बोला मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो मुझे जोर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, मुझे 7-11 क्लब के अंदर लेके गए। वहां पे मेहता जी साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या लगा के रखा है मेरे क्लब के बाद। बोला सर मेरे पास हर चीज की परमिशन है, आप चीज तो देख सकते हैं, आरटीओ परमिशन, पुलिस परमिशन, लोकल अपने हर चीज की परमिशन मैं ले चुका हूँ, बीएमसी को मैंने उस चीज की रकम पे की है। तो अभी मुझे जोर जबरदस्ती बोला गया कि ये सब कानून मुझे पता है, शूटिंग का कानून मैंने ही बनाया है, मेरे सामने से हटाओ, ये सब जाओ उधर लेके जाओ, तुमको कौन बोला, ये तुमने ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया। मैं बोला सर इसके अंदर साफ तरीके से लिखा गया है कि 1 एकड़ के अंदर आप शूटिंग कर सकते हो, और ये जो मेरी जगह है वो 1 एकड़ के अंदर ही मैं हूं, उससे बाहर नहीं हूं। फिर बॉडीगार्ड लोग मुझे, फिर मेरा जो पार्टनर है कृष्णा, बोले सर हम नहीं हटाएंगे, हमारे परमिशन नरेंद्र मेहता ने उनको धक्का दिया। और बॉडीगार्ड लोग बोले हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, तू जानता है क्या ये आमदार है, ये है वो है। मैंने काफी रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास सब परमिशन होते हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले तू मुझे सिखाएगा क्या है, परमिशन सब कानून मैंने बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, वहां के प्रभाग अधिकारी को बुलाया, प्रभाग अधिकारी को बोल के मेरा सारे सामान जब्त कराया गया, लेकिन सारी परमिशन मेरे पास थी तो प्रभाग अधिकारी वो सामान नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने मेरा सामान वापस छोड़ दिया। बस मैं ये बताना चाहूंगा शूटिंग नहीं करने देने के लिए उन्होंने क्या क्या कारण बताया? कारण यही है कि आप हमारे सामने से हटाओ, ये हमारे इधर नहीं रख सकते, रोड पे आप ये नहीं कर सकते, रोड पे आप वो नहीं कर सकते हो, कानून में ये नहीं लिखा है। बल्कि यहां तक मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि आप मीरा भाईंदर के अलावा, आज मीरा भाईंदर सी ग्रेड डी ग्रेड में आता है, मुंबई ए ग्रेड में आता है। आज आप अगर आरटीआई निकालते हो तो मुंबई का जो फंड है, मुंबई की जो फीस है, वो अपने मीरा भाईंदर से बहुत कम है। आज मुंबई में हम शूट करते तो 17,000 रुपया जाता है, और वही चीज हम मीरा भाईंदर में अगर परमिशन लेते हैं तो 25,000 रुपया डिपॉजिट, 25,000 रुपया फीस और 4,500 जीएसटी लिया जाता है। मतलब ये चीज में भी आप देखिए कितना लूट रहे हैं हम, मतलब हम यहाँ पे शूटिंग ला रहे हैं, बॉम्बे से ज्यादा पैसा मीरा भाईंदर में लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि आप चित्रमल गुप्ता जी के लड़के हैं, इसलिए ये सारे मुद्दा है। देखिए मेन जो चित्रमल जी गुप्ता है, जो मेरे पिताजी है, वो आरटीआई कार्यकर्ता है, वो आज से आज सारी चीजें की परमिशन निकालने के बावजूद भी लोग आते हैं। हमारा क्या है, कोई कभी कौन सी पार्टी से आता है, कभी कौन सी पार्टी से आता है, कभी कोई भाई लोग आते हैं कि हमारा क्या है तुम यहाँ पे शूटिंग करो। तो मेरे को ये बताइए, अगर मुझे जब इन्हीं लोगों को पैसा देना है तो मैं बीएमसी को क्यों पैसा भरूं? जी जहाँ पे लोगों में आक्रोश है, और ये आने वाले 24 तारीख को धरना प्रदर्शन देने वाले कनकिया पुलिस चौकी के बाहर, क्योंकि इनके अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शिकायत दर्ज नहीं हुई पुलिस चौकी में। अधिकारी से मिले हैं या किसी से बातचीत हुई आपको इस पूरी घटना को लेकर? पहली चीज तो यह है कि सर प्रशासन ही उनका है तो मुझे कोई सपोर्ट करेगा नहीं। दूसरी चीज, मैंने मेल के माध्यम से डीवाईएसपी, एसपी, गृह सचिव, अपने यहाँ के महापौर, फिर हमारे आयुक्त सबको मेल किया है, और मेरा काफी नुकसान हुआ, 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई का मेल भी मैंने इनको किया है कि ये जो नुकसान हुआ है मेरा, जो शूटिंग बंद हुई है, सब परमिशन होने के बावजूद भी उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरी यही मांग है कि मुझे जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, और दूसरा मांग मेरी है कि ये जो चीज मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ ना हो, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।